नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग चैनल आपका अपना चैनल। तो एक बार फिर से हमारे पास जैपनीज पेट्स का ये जो पपी है छोटा सा, जिसकी वीडियो आपने पहले भी हमारे चैनल पे देख रखा है। अब ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और बड़ा छोटा सा बच्चा है। और इसकी स्पेशलिटी है, दो पैर पे ज़मीन पे भी ऐसे ही बैठ जाता है 2-3 सेकंड तक। हाथ में है तो थोड़ा सा 1-8 मिनट तक हो सकता है बैठ ले। और ये बहुत छोटा सा, ये पवन है। पवन पहले भी पोमरेनियन और लैब्राडोर रख चुके हैं और अब उन्होंने इस बच्चे को लेने का सोचा है। तो चलिए 2 मिनट बातें करते हैं। पवन, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे व्यूवर्स से अगर 2 शब्द आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और या तो इस पपी के बारे में जो आप बताना चाहें। बहुत ही क्यूट सा पपी है, देख आप तो देख ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं तो नॉर्मल पोमेरियन कल्चर पॉम में रखा हूँ। पहले बार ऐसे मतलब क्यूट सा छोटा सा डॉग ब्रीड ले रहा हूँ। इनके पास एक पोमेरियन था विगत कुछ वर्षों पहले, उसका किसी वजह से देहांत हो गया। और काफ़ी सालों के बाद अब जब एक बच्चा बड़ा होता है, जॉब में आता है, तो इन्होंने अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, भाई हम छोटे थे तो गली के कुत्ते उठा के खेलते थे। मेरी भी शुरुआत ऐसे हुई, आप सबकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई होगी अगर आपके पास पेट्स हैं तो सभी के साथ ऐसा होता है। जिसके भी अंदर पशु प्रेम है उनकी शुरुआत गली से ही होती है, चाहे गाय से, बछड़े से, तोते से, स्ट्रीट डॉग से। तो ऐसे इनकी भी शुरुआत हुई थी। और ये पहला डॉग अपनी कमाई का अपने घर पे खरीद कर ले जा रहा है, और हमें गर्व है ऐसे युवाओं पे जो कि इतनी कम एज में कुछ भी, अगर एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हैं। दुनिया के लोग तबाह हैं नशे में, तबाह हैं गंदी चीज़ों में। अगर हम 20-22-25 साल की एज में कुछ भी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम नुकसान नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पवन, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से इस बच्चे के लिए। उम्मीद करते हैं ये जाए और सकुशल अपनी पूरी उम्र ऐसे ही हेल्दी और क्यूट सा प्यारा सा बना रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।